राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से नूरपुर में खंड स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने की। एसडीएम नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार का मिशन है कि वो 2022 तक बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में अनीमिया, कुपोषण और ननिहालों में स्टनिंग की मामलों में हर वर्ष 2-2% की कमी लाए। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग नूरपुर के सौजन्य से नूरपुर में खंड स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने की। इस मौके पर एसडीएम ठाकुर ने कहा कि सरकार का मिशन है कि वो 2022 तक बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में अनीमिया, कुपोषण और ननिहालों में स्टनिंग के मामलों में हर वर्ष 2% की कमी लाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत लोगों को 0 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनमें खून की कमी, दिव्यंगता व स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल, भोजन, लड़कियों की शिक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की इस अवधि में स्वास्थ्य की नियमित जाँच करवाने व सेहत संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी उपलब्ध करवाना रहेगा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं को 70 दिन की बजाय 30 दिन के भीतर पंजीकरण सुनिश्चित करने को भी कहा है, जिससे इन महिलाओं का 100% पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने महिलाओं से भी उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पूरा पूरा लाभ उठाने की अपील की। केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जिसका नाम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। ये इसके तत्वाधान के तहत आज नूरपुर में जो है मीटिंग की गई, जिसमें नूरपुर एरिया के समस्त आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें विशेष तौर पर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लाइफ डिपार्टमेंट से भी हमने जो है अधिकारियों को अपने यहाँ बुलाया था। इस जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2022 तक तो जो बच्चों में है स्टंटिंग को जो है 2% पर एनएम के हिसाब से जो खत्म करना है हमने। इसके अतिरिक्त जो है अंडर न्यूट्रिशन जो है कुपोषण को भी 2% जो है प्रति वर्ष की दर से हमने 2022 तक हम पीछे 6% कम करना है। रिड्यूस बॉडी जो बर्थ के समय में जो बच्चे का जो वेट होता है उसको हमने जो ऐसे केसेस है उसको हम कम करने का जो है इस बारे में कर रहे हैं।